आरके सिंह का टिकट काट दो, मैं सुपरस्टार पावर स्टार हीरो हूँ, मुझे दे दो। हमारे चाचा दल से विधायक बने थे क्या? आप भी सर निर्दलीय लड़े? जी, निर्दल विधायक बना हूँ। बहुत बड़ी बात है जीत, निर्दलीय जीत बहुत बड़ी बात है। जिसको जनता और भगवान दोनों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा वो निर्दल नहीं जीत सकता। ना ना ना, लोग आरा से लड़ेंगे, आरा से लड़ेंगे, आरा से लड़ेंगे, लालटेन से लड़ेंगे, तो कौन चीज से लड़ेंगे? सब गप गप है ये। न्यूज में आज हमारे साथ विनय बिहारी जी मौजूद हैं, जो कि भोजपुरी के भीष्म पितामह है। पवन सिंह को काफी करीबी से जानते हैं। आज जानेंगे कि पवन सिंह को लेकर के क्या बयान आता है, क्योंकि काफी काराकाट में देखिएगा ना, पूरा पवन सिंह जनता में जो है ना, पवन सिंह को खाली पुकार रही है। स्वागत है सर गंगा न्यूज में। आपका भी स्वागत है, आपको धन्यवाद है, और आपके माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। क्या कहेंगे सर, पवन सिंह को बहुत करीबी से जानते हैं, साथ में रहे हैं बहुत, आप देखते हैं कि हेल्प भी करते हैं, चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? खाली वहां पे देखिएगा ना, पवन सिंह जिंदाबाद, फूलों को बारिश, पूरा तपती मतलब धूपों में पवन सिंह गली गली हर लोगों से मिल रहे हैं, खूब दुलार प्यार भी मिल रहा है सर। देखिए, अब पवन सिंह जी को बीजेपी में 2014 में जी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय अमित शाह जी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया उन्होंने। उसके बाद 14 में प्रचार किए, 15 में बिहार विधानसभा में प्रचार किए, फिर 19 का प्रचार किए, 20 का जो चुनाव हुआ उसमें प्रचार किए, और 24 में उनको चुनाव लड़ने का चुनाव लड़ने के लिए बात कही गई, और आसनसोल से उनको टिकट भी मिला। उनकी इच्छा थी हावड़ा। वो सर एक मनी सच तक पे वो बोले थे कि हम लड़ेंगे नहीं चुनाव बंगाल से, पहले ही उनका इंटरव्यू एक देखिएगा तो वायरल हो रहा था। अब मुझे उतनी बात नहीं, देखिए जो मैं जानता हूँ वही मैं बोलूंगा। 2019 में अमित शाह जी ने कहा था उनको कि आपको बंगाल से हावड़ा से लड़ाएंगे। चूंकि पवन सिंह का जन्म बहुत लोगों को मालूम नहीं है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि पवन सिंह का जन्म जो है हावड़ा में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर। उनके पिताजी सब परिवार हावड़ा में रहते थे, और पवन सिंह की चौथी तक की पढ़ाई भी हावड़ा में हुई। बिल्कुल बिल्कुल सर। और गायन बजायन सीखने का जो शुरुआत है, जो सीखने की शुरुआत वो भी वहीं से हुई है, हावड़ा से। तो उनको पसंद आई बात, उन्होंने कहा कि मुझे अपने जन्म धरती से लड़ने का सौभाग्य मिलेगा जी। लेकिन बात बनते बनते रह गई, अंजाम तक बात पहुंची नहीं। मायूस नहीं हुए, व्यस्त थे, अपनी व्यस्तता में लग गए। 24 में उनकी मां ने कहा कि बेटा तुमको चुनाव लड़ना है। और मैं आपको बता दूं कि मैं पवन सिंह को तब से जानता हूं जब वो 7 साल के थे। तो कई पिक्चर आपने किया है, मतलब कितने पिक्चर किए हैं सर? मुझे लगता है मैं 70-80 पिक्चर में उसके लिए साथ में गाने लिखा या काम किया या डायरेक्शन किया, जो भी जी, जी। 70 फिल्में मेरी पवन सिंह के, सबसे ज्यादा रवि किशन जी के साथ है, जी। मनोज जी के साथ है, लेकिन पवन जी के साथ भी मेरी 70 फिल्मों के आसपास है, ज्यादा ही होगा कम नहीं होगा। तो पवन सिंह जी को उनकी माँ ने कहा कि आपको इस बार चुनाव लड़ना है। इस बात की इच्छा को लेकर के मैं भी गया था पवन सिंह के साथ दिल्ली जी। और लगभग सभी बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, और लोगों ने कहा कि आपको टिकट दिया जाएगा, लड़ाया जाएगा, आपने मेहनत किया है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी समय बलवान होता है, आप चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, समय बीच में नहीं चाहता है, तो आपकी और मेरी दोनों की चाहत अधूरी रह गई। अब मैं यही कहूंगा आसनसोल के बारे में, क्योंकि लड़ना चाहते थे हावड़ा, टिकट मिली आसनसोल से, फिर उनकी माँ ने कहा कि बंगाल की हालत अच्छी नहीं है, उस समय बहुत अच्छा था जब हम तुमको जन्म दिए थे या तुम जब पढ़ते थे बंगाल में। जब से ममता दीदी आई है तब से वहां, खासकर इलेक्शन में, चुनाव में तो वहां गड़बड़ी होती ही है, मारकाट होता ही है ना, हमें डर लगता है, तुम वहां से मत लड़ो। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को कहो कि
झारखंड से धनबाद सीट है वहां से लड़ा दें, या उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें हैं, बलिया है, कुशीनगर है, देवरिया है, और भी सीटें हैं जहां से पवन सिंह लड़ सकते थे। दिल्ली की सीटें हैं जैसे मनोज जी लड़ते हैं, और बाकी लोगों का टिकट कट गया, उसमें भी कुछ ऐसी सीट है जिससे पवन सिंह लड़ सकते। तो सर पवन सिंह को टिकट क्यों नहीं दूसरे जगह से, क्योंकि हमेशा उनकी चाहती कि हमारा से लड़े या हमारे झारखंड या मतलब जहां तक भोजपुरी भाषा जी। आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। मेरे सामने कभी पवन सिंह जी ने नहीं कहा कि हमारा से लड़ेंगे जी। उन्होंने क्या कहा ही सुन लीजिए, मैं बहुत बार लोगों आरा से लड़ेंगे लालटेन से लड़ेंगे तो कौन चीज से लड़ेंगे, सब गप है ये जी। उनकी इच्छा, अच्छा कौन सा व्यक्ति होगा जिसको अपनी जन्म धरती से चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन उनका कहना था कि आरके सिंह ने अच्छा काम किया है, अगर किसी कारणवश, फिर गौर से बात को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, किसी कारण अगर आरके सिंह जी का टिकट कटता है तो मेरा आग्रह होगा बीजेपी से कि मुझे अपनी जन्म धरती से लड़ने का सौभाग्य दे जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आरके सिंह का टिकट काट दो, मैं सुपरस्टार पावर स्टार हीरो हूं मुझे दे दो। लेकिन सोशल मीडिया पे जो बात आई उसमें बातों को ऐसे ही प्रस्तुत किया गया, न मालूम कहां से उससे न्यूज मिल जाते हैं जी। मैं आपको सच बता रहा हूं कि उन्होंने चूंकि मेरे साथ गए थे, मैं भी उनके साथ था दिल्ली में। बातें ये हुई कि अगर किसी कारणवश, क्योंकि बहुत लोगों का नाम था इनका टिकट उम्र के चलते कट जाएगा, इनका टिकट स्वास्थ्य के चलते कट जाएगा, इनकी अच्छी भूमिका नहीं रही है क्षेत्र में इस वजह से कटेगा। अब ये बातों में सच्चाई जितनी हो, लेकिन ये बातें हवाओं के साथ घूम रही थी गलियों गलियों में। तो पवन सिंह ने यह कहा कि अगर आरके सिंह जी का टिकट कटता है आरा से तो मुझे अपनी जन्म धरती से लड़ने का सौभाग्य बीजेपी प्रदान करे जी। अब आरके सिंह की टिकट नहीं कटी, फिर अन्य पार्टियों से ऑफर जरूर आया, भाजपा पे इंतजार कर रहे थे पवन सिंह की टिकट कहीं आरा से नहीं सर, कहीं से भी वो मांग रहे थे, कहीं से भी मांग रहे थे। तभी तो सर बहुत बाद में जब सभी को टिकट दे दिया गया तब वो ऐलान करते हैं ट्वीट के माध्यम से कि हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे सर। जी जी जी, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ जी। ना आरा की सीट के बारे में जब अन्य पार्टियों से ऑफर आए तो मैंने भी मना किया, उनकी माता जी ने भी मना किया जी। जिसकी वजह से वो आरा से किसी अन्य दल के कैंडिडेट नहीं हुए नहीं। अब उनका इंतजार सर, फिर टिकट क्यों नहीं दिया गया सर, इतने मतलब कि सिपाही थे, इतने दिनों से हम देख रहे थे कि प्रचार पे प्रचार करते थे, भाजपा के लिए हमेशा खड़े रहते थे सर। देखिए एक बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी विश्व स्तरीय पार्टी है बिल्कुल सर, और इसका कोई भी आदेश निर्देश जो होता है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं जारी होता है, इसकी एक कमिटी है, विशाल पार्टी है, विशाल जन समर्थन है, विशाल रूप में इनका संगठन मजबूत है, और कोई एक व्यक्ति जो है इस पार्टी को संचालित नहीं करता है। कोई एक व्यक्ति किसी को न टिकट दिला सकता है, ना कोई एक व्यक्ति किसी की टिकट काट सकता है। तो इस समस्या को तो समझना पड़ेगा। पवन सिंह को लगा कि आसनसोल छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं मुझे बलिया में या छपरा में है ना, या जो भी भोजपुरी भाषा भाषी प्रदेश है, क्षेत्र है, कंस्टिट्यूएंसी है, वहां उनको एडजस्ट किया जाएगा। जब अंतिम सूची आई और उनको स्थान प्राप्त नहीं हुआ तो वो अपनी माँ के पास गए, बोले कि अब क्या करें। तो उनकी माँ ने कहा तुम्हारे चाचा दल से विधायक बने थे क्या, आप भी सर निर्दलीय लड़े, निर्दल विधायक बना हूं जी।
बहुत बड़ी बात है जीत निर्दलीय, बहुत बड़ी बात है। जिसको जनता और भगवान दोनों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा वो निर्दल नहीं जीत सकता। ना ना ना, मैं जानता हूँ। क्या पवन सिंह जीत दर्ज करेंगे वहां काराकाट, क्या लगता है सर? मैं बोला कि जनता और ईश्वर, जनता और ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा तो वो भी निर्दल जीत जाएंगे। जैसे मैं जीत गया, मैं तो पहला खाताधारी हूँ जी। मेरे 5 साल बाद मनोज तिवारी आए, उनके 5 साल बाद रवि किशन आए, उनके 3 साल बाद निरहुआ आए। तो पहल का नेता तो हम है और निर्दल है, ये लोग दल से आए हैं, मैं निर्दल आया हूँ। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ अपने यहाँ की जनता को और ईश्वर को, और हमारे ऊपर जो हमारे पुरखा पुरनिया का जो आशीर्वाद है उसको, क्योंकि मैं जीत के तो आ गया लेकिन जब सोचा तो मुझे यही मिला कि ये कर्ज इस जन्म में तुमसे नहीं उतरेगा जो तुम्हारी जनता ने तुमको दिया है। बिल्कुल सर, है ना, बिल्कुल तोहफा है।